जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभजीत घोष स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमेंट क्रिएटर एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हर एक डिपार्टमेंट का ट्रेड्समैन के बारे में, जो कि CAPF हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी डिपार्टमेंट हो गया या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उसका ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, स्पेशल फोर्स में जा सकते हैं कि नहीं उस डिपार्टमेंट से, या फिर डेपुटेशन जा सकते हैं कि नहीं, तो इसका बारे में मैं टोटल डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। कौन कौन सा ट्रेड, कौन कौन सा डेपुटेशन जा सकता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में जा सकता है, मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो करियर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। मैं इस चैनल पर नया नया वैकेंसी रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कटअप से रिलेटेड मैं जानकारी देता रहता हूँ और ऑथेंटिक जानकारी मिलता है इस चैनल से आप लोगों को। तो प्लीज़ आपके अपना चैनल यूट्यूब कमांडो करियर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में स्किप करके नहीं देखना, फिर कोई जानकारी आपको छूट सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी SSC GT में जो भी फोर्स में नियोग किया जाता है उसमें ट्रेड्समैन किस किस को बोला जाता है और ट्रेड कितना हो रहता है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है जो सफाई कर्मचारी, बार्बर जो हेयर कटिंग करता है, टेलर, गार्डनर, टेलर जो कपड़ा सिलाई करता है, गार्डनर जो बगीचा या फूल पौधा का देखरेख करता है, वाशरमैन या धोबी जो कपड़ा सिलाई करता है, कपड़ा प्रेस करता है, कपड़ा धोता वगैरह है, उसके बाद कोबलर यानी मोची, कारपेंटर यानी जो छुतर वगैरह होता है, जो लकड़ी का काम वगैरह करता है, कुक जो खाना वगैरह बनाता है, ड्राइवर, वाटर कैरियर, वो भी कुक डिपार्टमेंट में आता है वाटर कैरियर, और बिगुलर जो बिगुल वगैरह बजाता है। आप सुने होंगे कोई कोई बिगुलर होता है जो क्वार्टर गार्ड वगैरह, या फिर बिगुल का आवाज़ सुने होंगे, डाटा डाटाटी डाटा डाटाटा, ये सब वगैरह जो बिगुल लगा के बजाता है वो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि गार्डनर, नोट कर लीजिएगा कि ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, कौन कौन सा ट्रेड का। सबसे पहला है गार्डनर, टेलर, कारपेंटर, बार्बर, वाशरमैन, वाटर कैरियर, कोबलर, वाशरमैन, ये सभी का ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग होता है ये 3 महीने का होता है। 3 महीने में आपको ट्रेड से रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा और आपका फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह हर एक चीज़ कराया जाएगा, फायरिंग भी कराया जाएगा, वेपन ट्रेनिंग भी कराया जाएगा, जो राइफल का, हथियार का भी जानकारी दिया जाएगा और फायरिंग भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसमें आप लोगों का रनिंग भी शामिल है, BOAC भी, बैटल ऑब्स्टिकल असल्ट कोर्स जो होता है वो भी शामिल उसमें हो जाता है। ज़्यादातर उसमें आप लोगों का ट्रेड में प्रैक्टिस ज़्यादा कराया जाएगा जो उस ट्रेड में आते हो, जो 3 महीना वाला ट्रेड में आते हो। बाकी जो ट्रेड होता है वो सभी को GD के साथ ही ट्रेनिंग कराया जाता है, जो कि 44 वीक का होता है, वो साथ में जंगल ट्रेनिंग से लेके मिड टर्म ब्रेक से लेके हर एक चीज़ GD के साथ ही उसको कराया जाता है, जो कि हो गया बिगुलर, ड्राइवर, ये सब इसका ट्रेनिंग GD के साथ ही 44 वीक का होता है। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन से GD में आ सकते हो कौन कौन। तो अभी जो 1 साल वाला का मैं बात किया हूँ, रेगुलर और ड्राइवर, तो आप लोग डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके, आप कॉन्स्टेबल तो नहीं हो सकते हो, बाहर से एग्ज़ाम देके फिर बन सकते हो, लेकिन जो जिस डिपार्टमेंट में, जिस ट्रेड में हो उसी ट्रेड में रहना है। आप कॉन्स्टेबल में नहीं आ सकते हो, लेकिन उससे रैंक जो हेड कॉन्स्टेबल हो जाता है वो डिपार्टमेंटली जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि हेड कॉन्स्टेबल में डिपार्टमेंटली LDC एग्ज़ाम के लिए इतना वैकेंसी निकला है, इसमें से ये ट्रेड और ये जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल अप्लाई कर सकता है। तो उसमें आप लोग एंट्री करके आप अपना रैंक बढ़ा सकते हो, उसमें आप SI असिस्टेंट कमांडेंट तक भी जा सकते हो।
और एक चीज बता देता हूँ, जो भी ट्रेडमैन होता है, कुक हो गया, धोबी हो गया, जो भी हो गया, जो 3 महीना वाला है, उसके पास अगर कुछ रहा है ड्राइवर में आ सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों जरूर आ सकते हो। आप लोगों के पास अगर हैवी व्हीकल लाइसेंस है, हैवी व्हीकल लाइसेंस अगर आप लोगों के पास है, तो आप ड्राइवर में किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो अपना ट्रेड चेंज करके, जरूर जा सकते हो। लेकिन उसमें जब वैकेंसी निकलता है तो बताया जाता है, जैसे कि कोई भी ट्रेडमैन का हेड कांस्टेबल में बताया जाता है कि इतना इस डिपार्टमेंट से अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, चाहे ट्रेड हो गया, वाशरमैन हो गया, धोबी हो गया, मोची हो गया, कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, या गार्डनर हो गया, बिगुलर हो गया, कोई कुछ भी हो डिपार्टमेंट, तो उसमें आपके पास वहाँ बताया जाएगा, जब वैकेंसी निकलता है डिपार्टमेंट में तब बताया जाता है कि इसी ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अगर उसके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो। आप बात करते हैं डेपुटेशन, जैसे CRPF में कोबरा कमांडोज हो गया, NSG हो गया, BSF में क्रोकोडाइल कमांडोज हो गया, या फिर कोई VIP सिक्योरिटी हो गया, तो उसमें आप लोग जरूर जा सकते हो। NSG, SPG, PDG, उसमें आप जरूर जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। उसमें आप लोगों का जब डेपुटेशन का वैकेंसी आता है तो उसमें पूरा मेंशन रहता है, सिग्नल के थ्रू आता है, तो उसमें पूरा मेंशन किया जाता है कि कौन कौन सा ट्रेड, कौन कौन सा रैंक, कौन कौन सा रैंक का जवान उसमें अप्लाई कर सकता है, तो उसमें पूरा मेंशन किया जाता है। अगर आप उस टाइम उस ट्रेड से सर्विस कर रहे हो, आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग 3 साल सर्विस, गुड ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होता है डिपार्टमेंट में, आपका जो ACR भरा जाता है हर एक साल, तो उसमें 3 साल आपका वेरी गुड रिपोर्ट होना चाहिए, तब आप उस डेपुटेशन में जा सकते हो। अगर जो ट्रेड वो डिपार्टमेंट, मतलब जो डेपुटेशन का डिपार्टमेंट मैसेज में दिया होगा कि इस ट्रेड से हमको इतना जवान चाहिए, तो अगर आप उस ट्रेड में आ जाते हो तो आप जरूर उसमें एप्लीकेशन देके ऑफिस में सबमिट कर सकते हो, उसमें आपको भेज दिया जाएगा। उसमें फिर आपको जाने के बाद 3 महीना ट्रेनिंग कराया जाता है, जो जिस डिपार्टमेंट का हो जाता है, कोबरा का हो गया या फिर NSG हो गया, तो फिर उसमें ट्रेनिंग कराया जाता है। NSG का ट्रेनिंग कितना दिन होता है, नहीं होता है, कोबरा का ट्रेनिंग कितना दिन होता है, नहीं होता है, मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरा चैनल पे। किसी भी इसका टॉपिक पे किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं रिप्लाई दे दूंगा जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत।